हेलो ब्रांडेड, आई होप आप अपने लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे होंगे। और आज की वीडियो उन सभी विक्स वेबसाइट वाले कैंडिडेट्स जो हैं, जिनका कि विक्स वेबसाइट है और वो अपनी विक्स वेबसाइट से अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो brandbenbhart.com जो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये विक्स की प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने बनाई हुई है। और जैसे कि हमने कहा कि काफ़ी सारे वीडियोज हमें पहले से हैं और उन पर जो कमेंट्स आते हैं, तो एक कमेंट आया कैंडिडेट्स मतलब कि जो बंदे थे उनका आया कि जैसे मैंने बनाया था गूगल एडसेंस से ऐड आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो जो हैं कैंडिडेट, उन्होंने पूछा कि अगर हमको गूगल एडसेंस से ऑटो ऐड का ऊपर मैंने बनाया है, उन्होंने कहा कि अगर ऑटो ऐड नहीं लगाना है, अगर सिंपल हमको एड्स लगाने हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आपको कस्टम ऐड लगाने हैं अपनी विक्स वेबसाइट पर, तो आप किस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर दो तरह के ऐड्स होते हैं आपकी विक्स वेबसाइट पर जो आप गूगल से लगा सकते हैं। एक तो होता है बैनर एड्स होते हैं, ठीक है, और एक होता है जो जिसे बोलते हैं नेटिव एड्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी तो बैनर एड्स के बारे में जानेंगे, बाकी नेटिव एड्स के बारे में आपको शॉर्ट में बता दूंगा किसी और वीडियो में, वो भी लगभग उसी तरह से है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे अपनी जो विक्स वेबसाइट उसके एडिटर पर, हमने ओपन कर लिया है। देखिए, ये हमारा विक्स वेबसाइट का एडिटर सेक्शन ओपन हो चुका है। अब जैसे कि मान लेते हैं हम कोई पेज है, एक जैसे कि कोई भी आप पेज ले सकते हैं जिसके ऊपर आपको जो है अपने एड्स लगाने हैं। तो हम मेन्यू में जाते हैं और कोई पेज उठाते हैं। मान लीजिए कि एक जैसे कि ये पेज है, मान लीजिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब कोई पेज है, कोई भी पेज में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि ये हमने पेज ओपन किया है जो कि हमारा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ टेक्निकल फॉर कंप्यूटिव एग्जाम्स, ठीक है। ये एक पेज है, हमको इस पेज पर ऐड लगाने हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है आपका ये फूटर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर मैंने क्लिक किया फूटर है। अब मैं इस फूटर को और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा। देखिए, प्लेस आप खुद चूज़ कर सकते हैं कस्टम एड्स के लिए। यहाँ पर प्लेस के लिए कोई पाबंदी नहीं है कहाँ पर लगाना, ठीक है। तो मान लीजिए मैं चूज़ कर रहा हूँ कि भाई मुझे ये जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, चेक मोर है यहाँ पर लिखा हुआ, इसके नीचे मुझे इस वाले प्लेस पर मान लो मुझे ऐड लगाने हैं जो कि मुझे कस्टम एड्स लगाने हैं। देखिए, जो आपको नीचे गूगल एड्स दिख रहा है वो भी कस्टम एड ही मैंने लगाया हुआ है। तो ये मैंने जगह, पहले आपको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, ठीक है। स्पेस कितनी है, क्योंकि कस्टम ऐड जब बनाते हैं तो कस्टम ऐड जो है उसका आपको साइज जो है फिक्स करना होता है, ठीक है। अगर आप उसको एज ए, जैसे कि दो ऑप्शन आपको मिलेगा, मैं दिखा दूंगा आपको पूरा, तो आपको फिक्स साइज करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ऐड अपना प्लेस खाली रखा हुआ है, तो ये साइज कितना है वो आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा कितना साइज है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब क्या करूँगा। लगभग आप समझ सकते हैं कि 700 इसका जो ये लेंथ होगा और जो विड्थ होगा, आप जो है 250 या 160 करके, ये लगभग इतना एरिया आपको आराम से हो जाएगा, ठीक है। वो नॉर्मल आप एज्यूम करेंगे, एक दो बार करेंगे, गलती अगर होगा तो दोबारा आप सीख जाएंगे। सिंपल ये हो चुका। अब जो है गूगल एडसेंस का जो है आपको एक यहाँ पर जो है ऐप रहता है, ठीक है। गूगल एडसेंस एक ऐप है जिसको आपको फर्स्टली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जैसे ये ऐप एड ऐप्स है, ठीक है, मैं आपको इनिशियल से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो गूगल एडसेंस का ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको गूगल एडसेंस का ऐप जो है इंस्टॉल करना पड़ता है पहले अपनी विक्स वेबसाइट पर। तो जैसे आप अगर सर्च करेंगे अपने विक्स ऐप मार्केट पर, जैसे मैंने गूगल सर्च किया तो गूगल एड्स के ऊपर देखिए, ये जो है गूगल एडसेंस, ये जो जिसमें मैंने कर्सर रखा हुआ है गूगल एडसेंस, ठीक है। तो पहले आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल सिंपल, जैसे ये आपको यहाँ पर ऐड दिख रहा है, आप ऐड करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा नॉर्मल। तो ये इंस्टॉल हो चुका है मेरे सिस्टम में, ठीक है। तो अब जो है मुझको इसको ऐड करना है, ठीक है, मतलब मुझे गूगल एड्स लगाने हैं। एक बार गूगल एड्स आ जाता है तो फिर आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग की पूरी प्रक्रिया करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपल इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ओपन का बटन यहाँ पर आ दिया है, इसको आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप ओपन का क्लिक करते हैं तो जो भी पेज आपने चूज़ किया हुआ जो बैकग्राउंड में ओपन है, वहाँ पर एक इस तरह से लोडिंग करके आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये आ चुका है, देखिए पाएंगे गूगल एड्स, ठीक है, गूगल एडसेंस ऐड आ गया है। विल बी डिस्प्लेड हेयर, दिस मैसेज वुड नॉट बी शोन टू योर साइट विजिटर। तो जब तक ये गूगल ऐड का एक समझ सकते हैं कि एक जो कोड डालने का एक प्लेस है, यानी कि अगर आपको कस्टमर डालना है तो ये यहाँ पर आप जो है सेटिंग में जाकर के यहाँ पर आप ऐड डालते हैं। अब देखिए ये जो प्रक्रिया है, एक बार आपको ऐड करना है इसको, जहाँ से मैंने ऐड क्लिक बटन पे जो मैंने ऐड किया हुआ था वहाँ पर, ठीक है। तो वंस, ओनली वंस टाइम आपको वहाँ से ऐड करना है। उसके बाद जो है आपको सिर्फ इसको जो है इस मतलब कि जैसे ये गूगल ऐड खुल गया ना, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा सिस्टम, इसको बस आपको सिंपल कॉपी करना है और आप जिस भी अपनी साइट पर, जिस भी प्लेस पर आपको ऐड्स लगाने, सिंपल आपको वहाँ पर जो इसको ले जाके कॉपी को पेस्ट कर देना, ठीक है।
जैसे मान लो मैंने इसको दिखा दे रहा हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी का, ठीक है, यहाँ पर कॉपी आ रहा है, मैंने कॉपी किया एंड देन मुझे मान लो कि बगल में भी लगाना है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल राइट किया और मैं यहाँ पर सिर्फ पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो पेस्ट करते ही यही चीज़ सेम जो जो ब्लॉक बना है वो ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, बट ये ब्लॉक ही सिर्फ आता है, ठीक है। हर एक गूगल एडसेंस के एड ब्लॉक पर कोडिंग अलग अलग होती है, ये बात ध्यान रखना होगा। अगर कोई भी एडसेंस आपने लगाया तो हर एक एडसेंस मान लो आप 10 बार कॉपी कर देंगे तो आपको 10 अलग अलग कोड समय डालने पड़ेंगे। एक कोड सिर्फ एक ही गूगल एडसेंस के ब्लॉक के लिए यूज हो पाता है, ठीक है। तो मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने आपको बताया था समझाने के लिए कि आपको किस तरह से करना रहेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से कोड जनरेट करते हैं और किस तरह से आप कस्टम एड्स लगाते हैं इन योर विक्स वेबसाइट फ्रॉम गूगल, ओके। चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं गूगल एडसेंस अपना मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर एड्स, ठीक है। इस एड्स पर आपको करना है सिंपल क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं ओवरव्यू आ गया है, ठीक है। यहाँ पर ओवरव्यू आपको ओपन हो गया, यहाँ पर सब जो ऑप्शन रहते हैं कस्टम चैनल का, URL चैनल का, ठीक है, अदर प्रोडक्ट्स का, यहाँ पर आप देख पाएंगे आ चुका, ठीक है। बाई साइट है, बाई एड यूनिट है एंड ग्लोबल सेटिंग है। तो बाई साइट पे जो है ये साइट मेरा जो मैंने दिखाया था आपको, ऑटो एड्स यहाँ पे यहाँ से ऑन करते हैं बाई साइट से। ऑटो एड्स करना है तो वीडियो बन चुका है, आप इसको देख सकते हैं। हमको यहाँ पे क्लिक करना है बाई एड यूनिट, हमको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो हमने क्लिक किया बाई एड यूनिट। अब देखिए यहाँ पर 3 तरह के एड्स आ रहे हैं, डिस्प्ले एड्स, इन फीड एड्स एंड इन आर्टिकल एड्स। तो सिंपल डिस्प्ले एड सबसे रिकमेंडेड रहता है, बाकी आप इन फीड एड्स, जैसे आप ब्लॉग लिखते हैं तो आप वहाँ पर इन फीड एड्स लगा सकते हैं। इन फीड एड्स कैसे लगाते हैं इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा सेपरेट, क्योंकि उसमें भी कुछ ज़्यादा आपको बताना पड़ेगा। बाकी आज हम जानेंगे बैनर एड्स जो रिकमेंडेड है आपको दिख रहा है यहाँ पर, डिस्प्ले एड्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो सिंपल इस पर आपको करना है क्लिक, तो मैंने डिस्प्ले एड्स पर किया क्लिक, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ चुका नेम योर एड यूनिट एंड देन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम अपनी एड यूनिट का कुछ भी नाम रख लेते हैं। नाम रखना जरूरी है ताकि बिना नाम रखे आपकी एड यूनिट जनरेट ही नहीं होगी। तो मान लो मैंने रखा 110, ठीक है, एड, ठीक है ना, सेकंड इन टेक, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए मैं इसको जो है ये मैं थर्ड कर देता हूँ, मतलब ये अपने अकॉर्डिंग है, जैसे आप किस पेज पे कितने ऐड लगा रहे हो अपने अपने अकॉर्डिंग नाम चूज कर सकते हैं, आप XYZ भी रख सकते हैं, इट इज़ ऑन यू। नाम रख लिया, अब यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर देखिए ऐड साइज तो रिस्पॉन्सिव है, हमेशा रहता है, बट विक्स वेबसाइट पर रिस्पॉन्सिव एड्स नहीं लगते हैं, हमेशा फिक्स एड्स ही लगते हैं। तो फिक्स पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर एक आपको आ जाएगा कि भाई फिक्स एड जो है हर जगह नहीं रहता है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है, बट इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो साइज़ आपको दिखा रहा है, ये साइज़ है वो आपका 728 चौड़ाई है और हाइट 90 की है। तो जो प्लेस हमारा था वो भी लगभग कुछ इतना ही प्लेस था, ठीक है। तो इस कारण से हम जो है लगभग विड्थ वत्ती रहेगी, हाइट को थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, लेकिन आपको देखिए मैंने हटा दिया। देखिए आप आगे इंटर ए वैल्यू, तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू ऐड, मतलब कि वही आपको हाइट देनी है। तो चलिए मैंने मान लीजिए दे 100, मैंने 100 कर दिया, ठीक है। तो 100 पर अगर नहीं लेगा, यानी कि अगर आपका जो आपने डाला अगर वो सही नहीं रहेगा तो अपने आप ही एरर हो जाएगा। अगर उसके पास ऐसे एड्स रहेंगे तो 100 करने पर ले लिया, मतलब कि ये सही रहेगा। अब आपको सिंपल करना है, यहाँ पर देखिए नीचे क्रिएट का आपको ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, नीचे यहाँ पर जो दिख रहा है क्रिएट का ऑप्शन है, थोड़ा स्क्रीन छोटी हो गई है, क्रिएट का ऑप्शन मैंने क्लिक किया। क्रिएट पर क्लिक करते यहाँ पर एक ऐड कोड जनरेट हो गया, यहाँ पर देख पाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पर ऐड कोड आ चुका है, ठीक है, HTML का पूरा कोड आ चुका है। आप देखिए कॉपी कोड स्नैप आ गया, तो आपको सिंपल कॉपी करना है, ये पूरा कोड आपको यहाँ देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक जो आ गया, ठीक है, ये पूरा कोड आपका कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद आपको सिंपल अपने जाना है विक्स वेबसाइट पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका जो ब्लॉक था उस ब्लॉक में जाना है सेटिंग पर, हमने सेटिंग पर क्लिक किया। अब देखिए गूगल एडसेंस का सेटिंग ये ओपन हो रहा है, चलिए सेटिंग ओपन हो जाता है, इसके बाद चलिए देख लेते हैं, ठीक है, हो गया। देखिए यहाँ पर सेटअप ऐड आ रहा है, गो टू एडसेंस, यहाँ पर क्लिक करते आप सीधे एडसेंस की मेन विंडो जो आपकी स्क्रीन है वहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि अपने डैशबोर्ड पहुँच जाएंगे गूगल एडसेंस के। हमको करना है ऐड को सेटअप, तो सेटअप ऐड पर हमने किया क्लिक, यहाँ पर आ रहा है पेस्ट योर ऐड कोड हेयर, तो कंट्रोल वी दबा दो, पेस्ट हो गया, देन कर दो एक्टिवेट। एक्टिवेट करते ही जो ऐड का जो आपका स्क्वायर था ऐड का जो ब्रैकेट दिया था वो अपने आप जो भी आपकी ऐड यूनिट है, देखिए आप देख पाएंगे ये पहले था स्क्वायर शेप में, अभी ये रेक्टेंगल शेप में आ गया, तो वो अपने अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा पेज की हाइट जो है एडजस्ट कर ली, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा गैपिंग किया था, मैं थोड़ा सा इसको पेज की हाइट को एडजस्ट करूँगा,
ठीक है, तो मैंने पेज की हाइट को एडजस्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा मेरी पेज की हाइट एडजस्ट हो जाएगी। आप करना चाहें तो ब्लैंक भी जितने जितना ब्लैंक है उतना छोड़ सकते हैं। बाकी ये आ चुका है गूगल ऐड, ठीक है, ये कस्टम ऐड आप लगा दिए। अब चलिए मैं देखूंगा कि कैसे ऐड दिखता है। फिर आपको सिंपल यहाँ पर देखिए पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, यहाँ पब्लिश है, तो मैंने सीधे पब्लिश किया मेरी साइट को। तो मैं भी आपको पेज दिखा दूंगा किस तरह से कस्टम ऐड दिखता है, ये बैनर एड्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी नेटिव एड्स, इन फीड एड्स कैसे होते हैं उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको तुरंत चाहिए तो कमेंट करेंगे तो मैं कल तक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं साइट को कर रहा हूँ पब्लिश, जैसे ही पब्लिश होगी फिर आपको दिखा दूंगा कैसे तरह से ऐड आपको दिखते हैं साइट के ऊपर, ओके। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर साइट इज़ पब्लिश्ड एंड इज़ लाइव ऑनलाइन, ठीक है। तो हमारी साइट पब्लिश हो चुकी है, चलिए देखते हैं। ये मैंने ओपन कर चुका हूँ मैं टेक्निकल फॉर कंप्यूटर एग्जाम्स, जो मैंने पेज ओपन किया था। अब देखिए यहाँ पर नीचे मैंने सबसे लास्ट में लगा था, ये देखिए ये आपको दिख रहा, क्लिक मोर के नीचे जो मैंने लगा था, ये देखिए ये आ गया गूगल एड्स, ठीक है। ये कस्टम ऐड है, ठीक है, ये कस्टम ऐड जो मैंने लगाया था ये आपको दिख रहा, पूरे बैनर ऐड बोलते हैं इसको, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी तरह से आप जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर लगाना है, जहाँ पर भी लगाना है साइज जो है वो आप साइज सेट कर लेंगे, कितना साइज है आप थोड़ा जूम कर सकते हैं। बाकी आप उसको जैसे यहाँ पर है तो अभी ये हो चुका, तो इसको आप सीधे डन कर दें, नीचे आपको डन का ऑप्शन मिल जाएगा, डन कर देंगे तो ये वापस अपने होम पेज पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिंपल जाना है एड्स पर, ओवरव्यू पे आपको ये मिल जाएगा, उस पर आपको जाना है यहाँ पर, ठीक है, डिस्प्ले एड्स पर जाना होगा, उसके बाद आप एड्स लगा सकते हैं। और यहाँ पर जितने आप ऐड लगे पूरी लिस्ट आपको आ जाएगी कि कब कब ऐड आपने लगाया, जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरे 120 एड्स मैं लगा चुका हूँ पूरे, ठीक है, ये मैं बैनर एड्स 120 लगा चुका हूँ। तो इस तरह से हो जाएगा, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इस तरह से ऐड आपके साइट पर दिखेगा। ये आप किसी भी जगह पर एज योर ऑन चॉइस लगा सकते हैं, और जो ऑटोमेटिक जो ऑटो एड्स होते हैं वो गूगल ऑटोमेटिक आपकी साइट को देख करके लगाता है। तो ये रही पूरी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो पूरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि नेटिव एड्स के बारे में बताऊं, या आपको ब्लॉगिंग पे ऐड लगाने हैं, विक्स पर ब्लॉगिंग लिख रहे हैं उस पर ऐड लगाने, तो कैसे लगाना है वो बताऊँ, तो आप कमेंट करें और मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। हमारी वीडियोज़ देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ब्रांडेड। और नीचे आप जो देख पा रहे हैं ये इन्फो लिंक्स के एड्स हैं, जो कैसे लगाते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बन चुका है, इन्फो लिंक्स के ऐड आप लगा सकते हैं, वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी हमारे चैनल को, आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ब्रांडेड हमारी वीडियोज़ देखने के लिए, थैंक यू वेरी वेरी मच।